अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अमल के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब कभी भी आपके घर में कोई बच्चा रोए या किसी को भी आप देखें तो बच्चा रोते हुए ये काम कभी ना करें। जी हाँ नाज़रीन, जैसे हमने देखा है कि बच्चा रोता है तब लोग उन्हें मारने लग जाते हैं, तो ऐसा कभी ना करें, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और क्या होगा इसका अंजाम, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक मरतबा मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स का बच्चा रो रहा था, और वो शख्स जिसका वो बच्चा था वो अपने बच्चे को रोने से चुप कराने के लिए उसे मार रहा था। बस जैसे ही मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो आप उस शख्स के करीब गए और उससे मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ बंदाए खुदा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना कि रोने पर कभी भी बच्चों को ना मारा करो, बल्कि उसकी जरूरत को पूरा करने की कोशिश किया करो, क्योंकि चार माह तक बच्चे का रोना अल्लाह की वहदानियत और उसके वजूद की गवाही होता है। ऐ बंदाए खुदा, याद रखना, जिस घर में बच्चों के रोने पर बच्चों को मारा जाए तो अल्लाह ताला उस घर से खुशियों को खत्म कर देता है और यूं वो घर परेशानियों और मुफलिसी का शिकार बन जाता है। उस घर में हर कोई आपस में लड़ता रहता है। ऐ बंदाए खुदा, तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत की सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम अपने बच्चों पर बार बार गजबनाक होते हो। ऐ बंदाए खुदा, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी आसान हो तो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और अपने बच्चों की खुशी में मगन हो जा, तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार बना देगा। सुनाने कराम, बच्चा रोता है तो अक्सर माँ बाप उसे और पीट देते हैं, उसे और मारते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और खासकर कुछ लोग छोटे बच्चों को भी मार देते हैं, जिन्हें मारना बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए नाज़रीन, हमें इस चीज़ से परहेज करना चाहिए, बल्कि हमें बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहिए और उसे खुश करने की कोशिश करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उसकी हर जिद पूरी करें, लेकिन उसे रोते हुए मारना और ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इस चीज़ से हमेशा परहेज करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे हर इंसान तक जरूर पहुँचाइए। इसी तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेशन में हमें अपनी राय देकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।